दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। आइए मित्रों, चलते हैं राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के पाठ्यक्रम की दूसरी इकाई हिंदी साहित्य का इतिहास की ओर और इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को आज आपके समक्ष रखते हैं। कुल 70 प्रश्नों को इस प्रश्नोत्तरी में हमने सम्मिलित किया है, जिसमें पहला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा के चित्रों के आधार पर किसने सुंदर कविताएं लिखी? श्रीधर पाठक, सैयद अमीर अली मीर, नाथुराम शर्मा अथवा रामचरित उपाध्याय? और सही उत्तर है विकल्प 3, नाथुराम शर्मा। फैंटेसी पर विचार करते हुए किसने कहा है, ज्ञान गर्ग फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है? विकल्प है नामवर सिंह, अज्ञे, मुक्तिबोध अथवा रामविलास शर्मा। सही उत्तर है मुक्तिबोध। विश्राम सागर किसकी रचना है, ईश्वरी नारायण सिंह, रघुनाथ दास, रघुराज सिंह अथवा बेनी द्विज? और सही उत्तर है विकल्प 2, रघुनाथ दास। पुष्टि मार्ग का जहां जात है तो जाको कछु लेना हो सो ले। सूरदास की मृत्यु पर यह किसने कहा था, कुंभन दास, विठल नाथ, नंद दास अथवा ध्रुव दास? और सही उत्तर है विकल्प 2, विठल नाथ ने। किस कवि के दोहे सरसता में बिहारी के समान है, मतिराम, रहीम, वृंद अथवा कबीर? और सही उत्तर है विकल्प 1, मतिराम के। बच्चन का सर्वश्रेष्ठ काव्य है, मधुबाला, निशा निमंत्रण, मधुकलश अथवा मधुशाला? सही उत्तर है विकल्प 2, निशा निमंत्रण। चित्राधार में संकलित काव्य ग्रंथ नहीं है, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, कानन कुसुम अथवा शेर सिंह का शस्त्र समर्पण? सही उत्तर है विकल्प 4, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। रसना विवेक इनमें बहुत ही जागृत और रुचि अत्यंत परिमार्जित थी, झूठ शब्दाडंबरों के फेर में ये बहुत कम पड़े हैं। शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है, कविंद्र, श्रीपति, सुरति मिश्र अथवा कृष्ण कवि? सही उत्तर है विकल्प 2, श्रीपति। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उगार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावन हार। यहां कबीर ने गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट क्यों की है, परमात्मा के दर्शन कराने के लिए, ज्ञान चक्षु खोलने के लिए अथवा अनेक उपकार करने के लिए अथवा उपर्युक्त सभी? सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। रामचरित उपाध्याय का जन्म कब हुआ, 1972, 1872, 1971 अथवा 1871? सही उत्तर है विकल्प 2, 1872। अंधेरे में कविता पर प्रमुख साहित्यकारों की टिप्पणी को सुमेलित करना है, प्रभाकर माचवे, अस्मिता की खोज, इंद्रनाथ मदान, आत्म संशोधन का समाधान, नामवर सिंह, आरक्षित जीवन की कविता, रामविलास शर्मा, लावा? विकल्प है अथवा गै, और यही सही उत्तर है घे, खे, के और गै, अर्थात प्रभाकर माचवे, लावा, इंद्रनाथ मदान, आत्म संशोधन का समाधान, नामवर सिंह, अस्मिता की खोज और रामविलास शर्मा, आरक्षित जीवन की कविता? बेनी प्रवीण की किस रचना करुण, रौद्र और वीर के उदाहरण श्रृंगार मिश्रित अनेक छंदों में मिलते हैं? और सही उत्तर है विकल्प 1, श्रृंगार भूषण। वैशोक कारक का प्रकाशन होता था बनारस से, प्रयाग से, कलकत्ता से अथवा कानपुर से?
सही उत्तर है विकल्प तीन, कलकत्ता से। इस ग्रंथ को काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार कहा गया है। विकल्प हैं ललित ललाम, रामचंद्रिका, पद्माभरण अथवा जगत विनोद। सही उत्तर है विकल्प चार, जगत विनोद। शुक्ल ने किसे लब्ध प्रतिष्ठित कवि कहा है? मैथिली शरणगुप्त, श्रीधर पाठक, गिरधर शर्मा नवरत्न, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। सही उत्तर है विकल्प चार, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। असंगत बताना है झंकार 1929, साकेत 1930, जयद्रथ वध 1910, पंचवटी 1925। और सही उत्तर है विकल्प दो, साकेत 1930। प्रयाग में किसका जन्म हुआ? प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त अथवा प्रताप नारायण मिश्र। सही उत्तर है विकल्प दो, बालकृष्ण भट्ट। इन्होंने ब्रज भाषा में बहुत कुछ कविताएं की हैं पर अपनी खड़ी बोली की कविताओं के लिए ही यह अधिक प्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत कथन शुक्ल ने किसके लिए कहा है? सत्यनारायण कविरत्न, उपरधर पांडे, रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे। सही उत्तर है विकल्प तीन, रूप नारायण पांडे। पातेंदु के लिए किसने कहा कि जो लोग उसमें इस्लाम विरोध सूंघ लेते हैं उन्हें अपनी नाक की दवा करानी चाहिए? शुक्ल, बच्चन सिंह, नगेंद्र अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर है विकल्प दो, बच्चन सिंह। किसने वायसराय लॉर्ड कर्जन को अपने व्यंग्य और हास्य का प्रमुख लंबन बनाया? सियाराम शरण गुप्त, बालमुकुंद गुप्त, नाथुराम शर्मा शंकर अथवा बालकृष्ण भट्ट। सही उत्तर है विकल्प दो, बालमुकुंद गुप्त। पराग नामक कविता संग्रह किसका है? रामचरित उपाध्याय, रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे अथवा लाला भगवान दीन। सही उत्तर है विकल्प दो, रूपनारायण पांडे। शिशुपाल वध के दो सर्गों का हिंदी मार्ग नाम से किसने अनुवाद किया? गिरधर शर्मा नवरत्न, हरिओद, सत्यनारायण कविरत्न अथवा रामचरित उपाध्याय। सही उत्तर है विकल्प एक, गिरधर शर्मा नवरत्न। छायावाद के संदर्भ में असंगत बताना है। शुक्ल रहस्यवाद को ईसाई मजहब के छाया दृश्य अर्थात फैंटास्माटा से जोड़ते हैं। शुक्ल ने छायावाद को अभारतीय कहा है। शुक्ल के अनुसार छायावादी काव्य के समानांतर स्वच्छंदतावाद की धारा चल रही थी अथवा शुक्ल छायावाद की विषय वस्तु को रहस्यवाद नहीं कहते हैं और काव्य शैली को चित्र भाषावाद या प्रतीकवाद। सही उत्तर है विकल्प चार, असंगत है। रघुनाथ कवि को किस नरेश ने चौरा ग्राम दिया था? प्रयाग नरेश, हिंदु नरेश, काशी नरेश अथवा अवध नरेश। और सही उत्तर है विकल्प तीन, काशी नरेश ने। हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन वर्ष बताना है 1870, 1873, 1872 अथवा 1871। सही उत्तर है विकल्प दो, 1873। असंगत बताना है तनमन धन गोसाई जी को अर्पण धर्म गुरुओं की छद्म लीला का भंडाफोड़, बूढ़े मोहमुआ से परनारी गमन, जयनार सिंह उझाई पर व्यंग, भारत आरत, शासकों के अत्याचारों और शासितों को की गई सहायता का वर्णन। असंगत कौन सा है? और सही उत्तर है विकल्प चार, भारत आरत, शासकों के अत्याचारों और शासितों को की गई सहायता का वर्णन यह असंगत है। स्थापना है कबीर की विचारधारा को किसी दार्शनिक सिद्धांतवाद का नाम नहीं दिया जा सकता और तर्क है कबीर प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि थे। विकल्प है ए और आर दोनों गलत, ए और आर दोनों सही, ए सही आर गलत,
अथवा ए गलत आर सही। और सही उत्तर है ए सही आर गलत। समस्या पूर्ति वह बड़े ही सटीक और सुंदर करते थे जिससे उनका चारों ओर पदक पगड़ी दुशाले आदि से सत्कार होता था। प्रस्तुत कथन शुक्ल जी का किसके प्रति है? नथुराम शर्मा शंकर, राम नरेश त्रिपाठी, लाला भगवान दीन अथवा रूप नारायण पांडे। सही उत्तर है नथुराम शर्मा शंकर। इस ग्रंथ का जैसा प्रचार चाहिए था न हो सका, शुक्ल जी ने किस ग्रंथ के संदर्भ में कहा है? रामचंद्रिका, रस रहस्य, भाषा भूषण अथवा छत्र प्रकाश। सही उत्तर है विकल्प दो रस रहस्य। इन्होंने प्रभात कर्मवीर और प्रताप का संपादन किया। छियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी अथवा मैथिली शरण गुप्त। सही उत्तर है विकल्प दो माखनलाल चतुर्वेदी। असंगत बताना है ऋतु संहार 1886, प्रेम संपत्ति लता 1885, श्याम लता 1885 अथवा देवयानी 1886। सही उत्तर विकल्प एक ऋतु संहार 1886। अज्ञेय की कविता बावरा अहेरी में बावरा अहेरी किसका प्रतीक है? चांद का, अंधकार का, प्रकाश का अथवा सूर्य का। सही उत्तर है सूर्य का। मतिराम की रचनाओं के विषय में असत्य कथन का चयन करना है। बिहारी सत्सई के ढंग पर इन्होंने मतिराम सत्सई लिखी। इनका परम मनोहर ग्रंथ रसराज किसी को समर्पित नहीं है। इनका छंदसार नामक पिंगल ग्रंथ महाराज शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है अथवा सभी सही है। और सही उत्तर है ये सभी सही हैं। सूर का भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का सर्वोच्च शिखर है। विरह की इतनी वैविध्यपूर्ण मानसिक दशाएं शायद ही कहीं मिले। पूरा भ्रमर गीत वक्रोक्तियों से भरा पड़ा है। प्रस्तुत कथन किसका है? बच्चन सिंह, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल अथवा रामकुमार वर्मा। सही उत्तर है विकल्प एक बच्चन सिंह। राजा शिव प्रसाद और भारतेंदु में मुख्य अंतर यह है कि पहला टकसाली हिंदी लिखता है, दूसरा लोकोपयोगी हिंदी। प्रस्तुत कथन किसका है? शुक्ल, नगेंद्र, बच्चन सिंह अथवा रामविलास शर्मा। सही उत्तर है विकल्प तीन बच्चन सिंह। इनकी कविता अत्यंत भावुकतापूर्ण एवं निराडंबर है। प्रकृति का भी इन्होंने बड़ा मनोहर चित्रण किया है। इनके भक्ति परक पद किसी भक्त से कम द्रवणशील नहीं है, किंतु ये भक्ति के पदों में भी देश की दशा को विस्तृत नहीं करते। नगेंद्र ने किसके लिए कहा है? गोपाल सिंह नेपाली, सत्यनारायण कविरत्न, भगवान दीन अथवा गिरधर शर्मा नवरत्न। सही उत्तर है विकल्प दो सत्यनारायण कविरत्न के लिए। मुसलमानी राज्य हेजे का रोग है और अंग्रेजी क्षयी का, प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र, बच्चन सिंह, भारतेंदु अथवा शुक्ल। सही उत्तर भारतेंदु। बिहारी एक ऐसा पीयूष वर्षी घनश्याम है जिसके उदित होते ही सूर और तुलसी भी आच्छादित हो जाते हैं। बिहारी के संबंध में यह किसने कहा है? राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला भगवान दीन अथवा बालकृष्ण भट्ट। सही उत्तर राधाचरण गोस्वामी। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसने माना? नंदुलारी वाजपेयी, हजारे प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह अथवा रामस्वरूप चतुर्वेदी। और सही उत्तर है विकल्प तीन बच्चन सिंह। शांत पथिक की रचना किस छंद में की गई है? कवित्त, रोला, सोरठा अथवा दोहा। सही उत्तर है विकल्प दो रोला।
कवियों के काल आदि के निर्णय में यह ग्रंथ बहुत उपयोगी है। अजय लली प्रकाश, वृत्त विचार, कालिदास हजारा अथवा श्रृंगार सौरभ। सही उत्तर कालिदास हजारा। बिहारी 1660 से 1720 संवत का सबसे उत्तम और प्रामाणिक संस्करण किस आधुनिक कवि ने किया? अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु, ताप नारायण मिश्र अथवा जगन्नाथ दास रत्नाकर। सही उत्तर जगन्नाथ दास रत्नाकर। भारतेंदु की लोकोक्तियां ठाकुर की याद दिलाती हैं, तो प्रताप नारायण मिश्र की कविताएं भारतेंदु की प्रस्तुत कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, नगेंद्र, शुक्ल अथवा बच्चन सिंह। सही उत्तर है बच्चन सिंह। धर्मदास द्वारा संपादित बीजक में रमणी की संख्या कितनी है? 84, 103, 93 अथवा 61। सही उत्तर 84। निम्न काव्य पंक्तियों में कौन सी कबीरदास की है? जब हम होते तब तो नाही, अब तू ही मैं नाही, गगन हमारा बाजा बाजे, मतर फल हाथी, दशरथ सुत्ते हूं लोक बखाना, राम नाम को मरम है आना, अथवा जो नर दुख में दुख नहीं माने। कबीरदास की पंक्ति बतानी है। सही उत्तर दशरथ सुत्ते हूं लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इनकी रचनाओं में खड़ी बोली का वैसा स्वच्छ और निखरा रूप नहीं मिलता जैसा गुप्त जी की रचनाओं में मिलता है। प्रस्तुत कथन शुक्ल जी ने किसके लिए कहा? नाथुराम शर्मा शंकर, रामचरित उपाध्याय, राय देवी प्रसाद पूर्ण अथवा लोचन प्रसाद पांडे। सही उत्तर है लोचन प्रसाद पांडे। बच्चन सिंह के अनुसार पहला नाटक कौन सा है? शकुंतला, रामायण, विद्या सुंदर अथवा समय सार। सही उत्तर है शकुंतला। यह ग्रंथ सूर सागर की पद्धति पर लिखा गया है, पर इसमें न सूर के सागर का विस्तार है और न गहराई। बच्चन सिंह का कथन किस ग्रंथ के लिए है? श्याम सगाई, रस मंजरी, रास पंचाध्यायी अथवा परमानंद सागर। परमानंद सागर सही उत्तर। चिय रघुपति पद कंज पुनीता, प्रथम ही बदन करो सप्रीता, मृदु मंजुल सुंदर सब भांति, शशिकर सरस सुभग नख पाती। किस कवि की पंक्ति है? मधुसूदन दास, केशव दास, नावादास अथवा अग्रदास। और सही उत्तर है मधुसूदन दास की। ऐसे कौन से कवि हैं जो विचारों और क्रियाओं दोनों से समाजवादी हैं? भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध। और आपके विकल्प हैं 1 और 4, 3 और 4, 2, 3 और 4 अथवा 1, 2, 3। सही उत्तर है 3 और 4 अर्थात रामविलास शर्मा और मुक्तिबोध। इनके फुटकल कवित्व बहुत स्थानों पर संग्रहित मिलते हैं, जिनमें इनकी काव्य कुशलता और सहनदेता चपकती है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के संदर्भ में है? निवाज, सुखदेव मिश्र, कालिदास त्रिवेदी अथवा राम। सही उत्तर है निवाज। बच्चन सिंह के अनुसार वास्तविक समालोचना की शुरुआत किससे मानी जाती है? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, बालमुकुंद गुप्त अथवा बद्री नारायण प्रेमघन। सही उत्तर बालकृष्ण भट्ट। सीधी और स्पष्ट अभिव्यक्ति का जो रूप भगवती चरण वर्मा में मिलता है, उसी का विकसित रूप बच्चन में दिखाई देता है। बच्चन के लिए किसका कथन है? बच्चन सिंह का, अजय प्रसाद द्विवेदी का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का अथवा नगेंद्र का। और सही उत्तर है विकल्प 4 नगेंद्र का। कबीरदास के प्रेम के आदर्श सती और सूर हैं। कथनकार कौन है? हजारी जी, क्षिति मोहन सेन,
राम स्वरूप चतुर्वेदी अथवा शुक्ल जी। सही उत्तर है हजारी जी। नित्यकालीन किस ग्रंथ को वीर रस की बहुत ही फड़कती हुई पुस्तक कहा गया? हिम्मत बहादुर विरुदावली, शिवराज भूषण, छत्र प्रकाश अथवा भूषण दुल्लास। सही उत्तर हिम्मत बहादुर विरुदावली। चार सप्तक का कौन सा कवि है जो विचारों से समाजवादी और संस्कारों से व्यक्तिवादी है? शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, नेमी चंद्र जैन अथवा मुक्ति बोध। और आपके विकल्प हैं एक और दो, एक और चार, चार तीन और दो अथवा तीन दो और एक। सही उत्तर है विकल्प चार तीन दो और एक, अर्थात नेमीचंद जैन, नरेश मेहता और शमशेर बहादुर सिंह। उनमें वह लाक्षणिकता, विचित्रमय भावना और वक्रता बहुत कम आ पाई है जो रस संचार की गति को तीव्र और मन को आकर्षित करती है। प्रस्तुत कथन शुक्ल जी ने किसके लिए कहा है? श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, मायूर प्रसाद द्विवेदी अथवा हरिऔध। सही उत्तर है मायूर प्रसाद द्विवेदी के लिए। पातेंदु युग के काल विभाजन के संदर्भ में यह संगत बताना है। रामकुमार वर्मा 1870 से 1900, रामलीला शर्मा 1868 से 1900, रामचंद्र शुक्ल 1868 से 1893 अथवा मिश्रबंधु 1868 से 1888। और सही उत्तर है मिश्रबंधु 1868 से 1888। प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक कौन है? लीलाचंद्र जोशी, जोला, अज्ञेय अथवा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है जोला। कामायनी के संदर्भ में असंगत कथन बताना है। मानव चेतना के विकास का महाकाव्य नगेंद्र, मानवता का रसात्मक इतिहास नंद दुलारी वाजपेयी, छायावाद का उपनिषद शांतिप्रिय द्विवेदी अथवा रहस्यवाद का पहला महाकाव्य सुमित्रा नंदन पंत। सही उत्तर रहस्यवाद का पहला महाकाव्य सुमित्रा नंदन पंत। प्रभु नहीं फिरे क्या तुम ही फिरे, हम गिरे अहो तो गिरे गिरे। प्रस्तुत पंक्तियां किसने कही है? यशोधरा, विष्णुप्रिया, उर्मिला अथवा वैदेही। सही उत्तर उर्मिला। प्यारी सच्चाई पर किसने टीकाएं नहीं लिखी हैं? कृष्ण कवि, लल्लू लाल, सुरति मिश्र, सरदार कवि अथवा सभी सही है। और सही उत्तर है सभी सही हैं, अर्थात इन सभी ने टीकाएं लिखी हैं। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से इनकी गणना रसखान और घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए। शुक्ल जी ने किस कवि के संदर्भ में कहा है? आलम, बैताल, बोधा अथवा दिग्विजयदेव। सही उत्तर है विकल्प एक आलम। पहले यह ब्रजभाषा के कवित्व रचते थे जिनमें कहीं कहीं खड़ी बोली का भी आभास रहता था। शुद्ध खड़ी बोली के भी कुछ कवित्व इनके मिलते हैं। इनकी कविताएं अधिकतर इतिवृत्तात्मक या गद्यवत है। शुक्ल ने किसके लिए कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, गिरधर शर्मा नवरत्न, मैथिली शरण गुप्त अथवा रामचरित उपाध्याय। सही उत्तर गिरधर शर्मा नवरत्न। नई कविता में मुक्तिबोध की जगह वही है जो छायावाद में निरल्ला की थी। निरल्ला के समान ही मुक्तिबोध ने भी अपने युग के सामान्य काव्य मूल्यों को प्रतिफलित करने के साथ ही उनकी सीमा की चुनौती देकर उस सृजनात्मक विशिष्टता को चरितार्थ किया जिससे समकालीन काव्य का सही मूल्यांकन हो सका। कथन किस आलोचक का है? और सही उत्तर है नामवर सिंह। द्वितीयकाल के किस संत कवि ने अपने को कबीर का अवतार कहा? यारी साहब, पलटू साहब, दरिया साहब अथवा तुलसी साहब। सही उत्तर दरिया साहब ने। मुक्तिबोध का कामायनी संबंधी अध्ययन कुहड़ मार्क्सवाद का नमूना है। कथन है रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, इंद्रनाथ मदान अथवा नगेंद्र। सही
उत्तर बच्चन सिंह। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं, कथन किसका है? आचार्य प्रसाद, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह अथवा शुक्ल जी? सही उत्तर है शुक्ल जी का। क्रम से सजाना है, परीक्षा गुरु, आदर्श दंपत्ति, निस्सहाय हिंदू, रहस्य कथा, कल्प आपके समक्ष है। सही उत्तर है रहस्य कथा, परीक्षा गुरु, निस्सहाय हिंदू और आदर्श दंपत्ति। और आज का अंतिम प्रश्न, प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है काम्या, चिदंबरा, पल्लव अथवा गुंजन? और सही उत्तर है विकल्प तीन, पल्लव। तो मित्रों, यह थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी, जिसमें हमने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के पाठ्यक्रम की दूसरी इकाई हिंदी साहित्य का इतिहास से कुल 70 प्रश्नों को सम्मिलित किया। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़े, बातें साहित्य की चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोस की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।